यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं शुगर केन फार्म, जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। गाइस, ये वाला आयरन फार्म हमने लास्ट टाइम वाली वीडियो में बनाया था। अगर गाइस जिसको भी ये वाली वीडियो देखनी हो तो गाइस वो आई बटन पर जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकता है। तो गाइस चलिए, अब हम बिना देरी के अपना शुगर केन फार्म भी बना लेते हैं। तो गाइस, शुगर केन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्लॉक ले लेना है और गाइस उस ब्लॉक को आपको 20 बार लगा देना है, जिस तरीके से गाइस मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस 20 बार आपको लगा देना है। उसके बाद गाइस आपको सामने की तरफ में जाना है और गाइस उसी ब्लॉक को आपको चार ब्लॉक और लगाना है, इस तरीके से गाइस जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद आपको लेने होंगे सैंड वाले ब्लॉक और गाइस आपको 16 सैंड वाले ब्लॉक को लगा देना है। तो गाइस 16 सैंड वाले ब्लॉक को लगाने के बाद जिस तरीके से हमने सामने की तरफ में चार ब्लॉक लगाए हैं, इस तरीके से गाइस अपनों को इधर की साइड में भी चार ब्लॉक लगाने होंगे। तो गाइस उसके बाद आपको गाइस जहां से आपने ये सैंड लगाई है वहां से गाइस आपको 8 ब्लॉक्स को गिनना होगा। तो गाइस मैं जल्दी से इसको भी गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस आपको 8 वाला और 9 वाला ब्लॉक को तोड़ देना है और गाइस इन वाले आपको 6 ब्लॉक्स को और ब्रेक कर देना है। तो गाइस ब्रेक करने के बाद आपको लेनी होगी चेस्ट और गाइस इससे थोड़ी सी और आगे इस वाली जगह पे आपको चेस्ट को लगा देना है। और देन गाइस आपको सामने की तरफ में आके होपर लेने और गाइस चेस्ट से चार होपर को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है, जिस तरीके से गाइस मैं कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस आपको लेनी होगी वाटर बकेट और एक बकेट आपको इधर से डाल देनी है और गाइस एक बकेट आपको इधर से डाल देनी है। तो गाइस वाटर बकेट डालने के बाद आपको दो ब्लॉक की एक दीवार बनानी होगी जो कि सैंड के पीछे से होती हुई जाएगी। तो गाइस आपको दो ब्लॉक इधर वाली सैंड में आके लगा देने हैं और गाइस आपको इसकी एक होल बना देनी है। तो गाइस नीचे वाले को मैं अभी इसको लास्ट तक ले जाता हूँ। तो लास्ट ले जाने के बाद आपको ऊपर वाले को भी इसी तरीके से लास्ट तक ले जाना है। तो गाइस अभी हमारी ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा गाइस, आपको लेने होंगे पिस्टन्स और गाइस इस जगह पे इस तरीके से पिस्टन्स को लगा देना है। तो गाइस पिस्टन भी हमारे लग चुके हैं। अब हम लेंगे ऑब्जर्वर और गाइस इधर की तरफ को फेस करके आपको ऑब्जर्वर को लगा देना है। ऑब्जर्वर लगाने के बाद गाइस आपको लेना होगा ब्लॉक और गाइस जहाँ जहाँ आपने गाइस पिस्टन्स को लगाया है उस जगह पे गाइस आपको ब्लॉक को लगा देना है। ब्लॉक लगाने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी रेडस्टोन डस्ट और गाइस एक जो ये हमने ऑब्जर्वर लगाए थे गाइस इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। तो गाइस कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है। उसके बाद गाइस अब हमको क्या करना होगा, अब लेने होंगे शुगर केन और गाइस जहाँ जहाँ गाइस हमने सैंड लगाई है वहाँ वहाँ आपको शुगर केन को लगा देना है। तो गाइस शुगर केन लगाने के बाद हमारा फार्म कुछ इस तरीके का लगने वाला है। उसके बाद गाइस आपको स्टोन लेना है या फिर गाइस जो भी आपने ब्लॉक यूज़ किया आपको वो लेना है और गाइस आपको इस तरीके से इधर की साइड से कवर कर देना है, जिस तरीके से गाइस मैं कर रहा हूँ ऐसे गाइस आपको दूसरी वाली साइड में भी कर लेना होगा। तो गाइस अभी मैं ये जल्दी से दोनों साइड को कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मेरी ये दोनों वाली साइड हो चुकी हैं। अब गाइस अब हम इसकी सेकंड वाली लेयर को बना लेते हैं। तो गाइस आपको 3 ब्लॉक की एक दीवार तैयार करनी है, जिस तरीके से गाइस मैं बना रहा हूँ। तो गाइस आपकी ये दीवार कुछ इस तरीके की होने वाली है। उसके बाद गाइस आपको सामने की तरफ में 3 ब्लॉक लगाने और गाइस उसकी भी आपको एक बॉल टाइप में बना लेनी है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो गाइस इधर के साइड में ब्लॉक लगा दिए। तो गाइस ये हमारी एक बॉल बन के रेडी हो चुकी है, नीचे वाली भी और गाइस ऊपर वाली भी। उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको इसी ब्लॉक से एक इसकी बाउंड्री सी कर देनी होगी। गाइस मैं आपको करके बता देता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से गाइस जैसे मैं इधर की साइड में किनारे किनारियों पे ब्लॉक लगा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से ब्लॉक्स को लगा देना है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। उसके बाद गाइस लेने होंगे आपको सैंड ब्लॉक और गाइस किनारे से आपको सैंड ब्लॉक्स को लगा देना है। तो गाइस सैंड ब्लॉक लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी गाइस वाटर बकेट और एक बकेट आपको इधर से डाल देनी है और गाइस एक बकेट आपको इधर से डाल देनी है। उसके बाद गाइस जहाँ पर भी आपका पानी आकर रुक जाता है वहाँ की गाइस आपको दोनों ब्लॉकों को तोड़ देना है। ब्लॉक तोड़ने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, अब गाइस आपको लेने होंगे शुगर केन और गाइस जहाँ जहाँ आपने सैंड लगाई है वहाँ वहाँ गाइस आपको शुगर केन को लगा देना है, जैसे गाइस मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस शुगर केन लगने के बाद ही गाइस हमारा ऊपर की लेयर बस कंप्लीट होने वाली है। तो गाइस आपने एक चीज़ नोटिस करी कि गाइस जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे गाइस हमारे शुगर केन नहीं लग रहे हैं। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको जो ये वाले ब्लॉक्स हैं इनको आपको 4 ब्लॉकों को आपको तोड़ देना है। 4 ब्लॉक तोड़ने के बाद गाइस आपको पीछे की साइड से 4 ब्लॉक लगाने, जिस तरीके से गाइस मैं लगा रहा हूँ, 2 ऐसे और गाइस 2 ऐसे। उसके बाद गाइस आपको लेनी होगी वाटर बकेट और गाइस इसमें आपको वाटर डाल देना है और इसको गाइस आपको ऊपर से कवर कर देना है। ऊपर से कवर करने के बाद गाइस अब यहाँ पे भी गाइस आप शुगर केन्स को लगा सकते हो। तो गाइस शुगर केन यहाँ पे अब इजीली लग गए।
अब गाइज अब हमको फिर से ही वैसे करना होगा, हमको अब फिर से इधर की साइड में पिस्टन को लगाना होगा। पिस्टन लगाने के बाद गाइज आपको अब लेने होंगे ऑब्जर्वर, और गाइज पिस्टन के ऊपर से आपको पीछे की साइड से जैसे हमने पहले ऑब्जर्वर लगाए थे उसी तरीके से गाइज आपको ऑब्जर्वर को लगा देना है। तो गाइज ऑब्जर्वर लगने के बाद आपको लेने होंगे ब्लॉक, और गाइज जहाँ जहाँ आपने पिस्टन लगाए वहाँ वहाँ गाइज आपको ब्लॉक लगा देने हैं। उसके बाद गाइज आपको लेनी होगी रेडस्टोन डस्ट, और गाइज आपको सारे ऑब्जर्वर को एक दूसरे से कनेक्ट देना है। तो गैस कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है। उसके बाद गैस आपको इसको साइड से कवर करना होगा, जैसे गैस आपने नीचे वाली साइड में इसको दोनों साइड से कवर किया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो गैस कवर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है। तो गैस जिस तरीके से हमने इसकी सेकेंड वाली मंजिल को बनाया था गैस इसी तरीके से आप इसकी कितनी भी मंजिल बना सकते हो। तो गैस यहाँ पे मैंने इसकी सिर्फ 3 मंजिल बनाई है जो कि गैस देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझको सही लग रही है। एक बार गैस मैं आपको इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ, तो गाइस ये पीछे से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। अब गाइस बस हमें इसका बस एक काम और करना होगा कि अब इसको अपनों को ग्लास से कवर करना होगा। तो गाइस मैं आपको एक बार कवर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको कवर करना होगा। तो गाइस आपको नीचे वाली साइड से इसको ग्लास लगाने होंगे। अगर गाइस आप इन होपर के ऊपर ग्लास लगा देते हो तो गाइस उसकी कोई दिक्कत तो है नहीं, आप इसलिए ग्लास इसको लगा सकते हो। तो गाइस ग्लास लगाने के बाद ये फर्स्ट लेयर कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो गाइस अब चलिए अब हम सारे उसमें ग्लासेस को लगा देते हैं। तो गाइस ग्लासेस लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, और गाइस मैंने डेकोरेशन के लिए अंदर की साइड में थोड़ी बहुत लालटेन भी लगा दी है। अब इसको रात में देख लेते हैं। तो गाइस ये रात में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर गाइस आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।